चुनाव और महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि डोईवाला में समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, जिन मतदाताओं ने अपना प्रतिनिधि चुना उन मतदाताओं के साथ धोखा हुआ है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने कहा, जिस तरीके से रातों रात मुख्यमंत्री बदल जाते हैं उसे आम जनता के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है। आज देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद सामग्री आदि के दाम आसमान छू रहे हैं। वो जिस तरह बार बार ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के मामले सामने आ रहे हैं, उससे यही साबित होता है कि आज प्रदेश भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नवभारत समाचार डोईवाला से ज्योति यादव की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में जो बीजेपी के आला अधिकारियों व बीजेपी के गुंडों द्वारा लोकतंत्र का चीरहरण किया गया है, महिलाओं को मारा पीटा गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और कई सपा के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका गया है, हमने इस मुद्दे पर और अपने उत्तराखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के ज्ञापन दिया है। उत्तराखंड में आज देखते हैं हम कि भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला उत्तराखंड राज्य को बना दिया है बीजेपी ने। 4.5 साल में जो पहले तो काम नहीं हुए, जो भी काम हुए सब भ्रष्टाचार की जाँच होनी चाहिए उनकी। हमारे लच्छीवाला फ्लाईओवर अभी उसमें दरार आ चुकी है, लच्छीवाला फ्लाईओवर में गड़बड़ी है। इसके साथ ही बड़ासी का पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। इसके साथ उत्तराखंड में जितने फ्लाईओवर बने हैं बीजेपी की सरकार में सबसे भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इन सब की जांच होनी चाहिए। बेरोजगारों की जो बात है, 4.5 साल बीजेपी ने 4.5 साल अपने मुख्यमंत्री बदलने में निकाल दिए, अब 3 महापौर सरकार को बेरोजगारों की याद आ रही है।